हरिः ॐ मा स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तारक्षो आरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कितनी भागो वाली है शोभा, परसों मंगनी हुई, आज शादी है और कल अपने दूल्हा के साथ कनाडा चली जाएगी। सुना है इसका पति करोड़पति है। करोड़पति? अरे करोड़पति है तो वही किसी से शादी क्यों नहीं कर ली? ब्याहने के लिए यही बिन बाप की कंगाल बेटी मिली थी। तू तो शोभा से जलती है, लड़कियां तो इसे एक से एक मिलती थी लेकिन इसे रंग बिरंगी तितलियां पसंद नहीं। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटे। मुझे गरीब की बेटी से शादी करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। माँ जी, शोभा अनपढ़ है, कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना। बेटी अपने पति को हर हाल में खुश रखना, तेरा पति ही तेरा सब कुछ है। मैं तो तेरी शादी के इंतजार में जिंदा थी। तू देश जा रहे हो, राम सीता की जोड़ी को एक बार जी भर कर देख लो। वेलकम होम। थैंक यू। शोभा, अपने देश से यहां दूर देश आकर ये घर बनाया है, आज से तुम इस घर की शोभा हो। फ्रेंड्स, वी हैव गैदर्ड हियर टुडे टू विश अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी प्रॉस्परस मैरिड लाइफ टू मिस्टर एंड मिसेस अरुण खन्ना। लेट्स जॉइन, कंग्रेट्स। Congratulations, Arun. Thank you. भाई बेबी तो बहुत खूबसूरत लेके आए हो। अब देखना यह है कि इस विदेशी धरती पर यह फूल महकता है या मुरझाता है। अरे काका, ये भी तो हो सकता है कि ये फूल तुम्हारी तरह फूल का सेहतमंद बन जाए। जी आप इनकी फिक्र छोड़िए, अपनी खैर मनाइए, बहुत हंस लिए दूसरों पर। आप आइए मेरे साथ। लेडीज, हियर आई प्रेजेंट टू यू मिसेस अरुण खन्ना। और मिसेस खन्ना, यह है रीटा, जिसे आपकी शादी का सबसे ज्यादा दुख हुआ है। शट अप, मुझे क्यों दुख होने लगा? Is your marriage a combination of long, long love affair? जी? I mean, did you have to wait long to get married to him? जी मैं समझी नहीं। आप अंग्रेजी नहीं समझती? थोड़ी थोड़ी। कहाँ तक पढ़ी हो? 8वीं तक। तो यहाँ के लोगों की बातचीत कैसे समझोगी? जी बात करना जरूरी है। भाई गूंगे भी तो एक दूसरे को अपना मतलब समझा देते हैं। Congratulations, Arun. Thanks, Guru. Mubarak. Congratulations. Thank you. Would you please like to dance with me? जी, ये पूछ रहे हैं कि आप इनके साथ नाचना पसंद करेंगी? माफ कीजिए, मुझे नाचना नहीं आता। वाह, मजा आ गया। पूछो नहीं क्या बीती लोगों के दिनों पर, सब जल भुनकर खाक हो गए। और क्यों ना हूं, हम भी तो हिंदुस्तान से वो हीरा उठाकर लाए हैं जो लाखों में एक है। शोभा, आंसू, माना कि आंसू भी तुम्हारे मोतियों से कम नहीं,
लेकिन आज की रात रोने के लिए नहीं बनी। शादी के लिए यहाँ लड़कियों की कोई कमी नहीं, फिर सात समुंदर पार आकर मुझ गरीब से शादी करने की क्या जरूरत थी। ये ना कहो कि तुम गरीब हो, जो दौलत तुम्हारे पास है यहाँ किसी के पास नहीं। लाज जो औरत का सबसे कीमती गहना होता है। इसके सिवाय और है क्या मेरे पास? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, बस एक चीज की कमी है। यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वो मैं सिखा दूंगा। तुम्हारी ट्रेनिंग आज इसी वक्त शुरू होगी। ट्रेनिंग? ट्रेनिंग, पहला लेसन लव, यानी कि प्यार। जब एक और एक एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो होंठों को होंठों के पास ले जा। रीटा, आज हमें आकाशवाणी से खबर मिली कि रीटा जी अपने शी जी के साथ नायगरा जा रही हैं। तो हमने सोचा हम भी अपनी श्रीमती जी के साथ उनके पीछे पीछे चले हैं। इस पूल में न रहना कि आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, हमने आपको अपनी नजरों की तार से खींचा है। नमस्ते रवि। नमस्ते। आप सब कुछ देख रहे हैं और फिर भी चुप है, क्यों, क्या हुआ? आपको मालूम है शादी से पहले रीता मेरे पति पर मरती थी और अब भी उनके पीछे पड़ी है। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आप भले आदमी हैं लेकिन रीता का मेरे पति के साथ मिलना जुलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नॉनसेंस। रीता, चलो। क्यों? चल के बताता हूँ। क्या हुआ रमेश? अपनी बीवी से पूछो। क्या कहा शोभा ने? कहती आप में और मेरी बीवी में गलत ताल्लुकात हैं। क्या? और नहीं तो क्या? ऐसी तोहमत लगाने की जरूरत तुम्हें कैसे हुई? कानों सुनी नहीं आंखों देखी बात कह रही हूँ। क्या देखा तुमने? वो आपका हाथ अपने हाथों में लिए आंखों में आंखें डालकर हंस नहीं रही थी? तो ये निकाला है तुमने इसका मतलब? और भी कोई मतलब निकलता है तो आप समझा दीजिए। शोभा, ये यहाँ के रीति रिवाज है। रीति रिवाज का तो सिर्फ बहाना है। अब अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। Hello? What? Sir, I just received a phone call. You have become proud father of a son. Congratulations. Thanks. जैसे एक खबर मिली कि आसमान के चांद को तोड़कर आपने अपने आंचल में छुपा लिया है, हम भागे चले आए। आंखों से देखा तो यकीन हो गया। मैंने तुम्हें चांद सा बेटा दिया, तुमने मुझे क्या दिया? किस चीज की कमी है? कहने को तो सब कुछ है और सोचो तो कुछ भी नहीं।